महंगाई ने जनता का बजट ही नहीं जायका भी बिगाड़ दिया है। एसी कार में बैठकर चलने वालों को भी महंगाई ने पसीने ला दिए हैं। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि जनता बढ़ती महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त है। घर में गृहिणियों के लिए बजट मैनेज करना अब चुनौती बन गया है। रसोई में एक साल पहले जितना खर्च आता था अब ठीक उससे दोगुने से ज्यादा बजट लग रहा है। उपभोक्ता को राहत देने के लिए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की शुरुआत की गई थी, लेकिन वर्ष 2020 मई के महीने से यह सब्सिडी बंद हो गई। इसके बाद लगातार सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब 1,000 रुपए सिलेंडर कीमत पहुंच गई है, तो उधर खाद्य तेल पहले से ही दोहरे शतक के करीब है। ऐसे में सब्जियों के बढ़ते दामों ने गृहिणी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना की जंग को पार कर चुकी जनता और सरकारों के सामने अब महंगाई बड़ी चुनौती बन गई है। बढ़ती महंगाई से देश की जनता अब दो दो हाथ करने को मजबूर है, तो वहीं महंगाई ने रसोई के जायके को भी फीका कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे रसोई के बजट की। सबसे पहले अगर महंगाई का एहसास होता है वो होता है महिलाओं को, क्योंकि उसका सीधा असर पड़ता है आपके जायके पर। जायका है रसोई, और रसोई पर उसका सीधा हम देख सकते हैं कि कितना असर पड़ पाता है। तो चलिए हम नारी में आज चर्चा करेंगे कि महिला कितनी प्रभावित हो पा रही है बजट से, और ये कोइंसिडेंट है, और एक ये कहूंगा एक सौभाग्य की बात भी कहूंगा इसे कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर महिला हैं निर्मला जी। और लेकिन ये संविधान की जब शपथ लेते हैं तो उस समय कोई ध्यान ना नहीं होती है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, खैर वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है कि महंगाई का असर कहां ज्यादा प्रभाव डालता है। हमारे साथ अनुराधा माहेश्वरी जी भाजपा से जुड़ी हुई है, संगीता गर्ग जी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, और चंद्रमुखी रसपाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले अनुराधा जी आप ही के पास आऊंगा, महंगाई का कुछ असर महसूस होता है या फिर कहें कि नहीं ये तो केवल बस विपक्ष का बनाया हुआ एक एजेंडा है, महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई जरूर हुई है। जिस शहर में रहती हूँ, राजधानी जयपुर है, और यहाँ पर 9.3% जयपुर में महंगाई अभी वर्तमान में, और ये एक महीने बाद 10.4% हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हो कि जायका बिगड़ जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो केंद्र सरकार से उज्ज्वला योजना चलाई थी, और उज्ज्वला योजना के तहत हमने राजस्थान में और सारे राज्यों में इतने सबको सिलेंडर फ्री सिलेंडर करवाए थे। लेकिन हमारे अशोक गहलोत जी राज्य सरकार, आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने केवल जब भी महंगाई होती है वो केवल केंद्र की ओर देखते हैं, बस केंद्र सरकार की ओर मुंह उठा के देख लेते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि हम वेट कम करके भी राजस्थान राज्य में महंगाई कम कर सकते हैं। जी, तो आपको लगता है कि अगर महंगाई कम करनी है तो राज्य सरकार पहल करे? जी, पहल, या केंद्र को भी करनी चाहिए साथ में? केंद्र सरकार तो उज्ज्वला रे चला चुकी, ये तो राजस्थान सरकार है, तो जब देखे जब मुंह उठा के देखती रहती है, उनको वेट कम करना चाहिए। एक उज्ज्वला योजना से रसोई के बजट पर असर पड़ सकता है? नहीं, सब चीजों में बहुत, केंद्र सरकार ने तो सब चीजों में, जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे 2004 से 2014 तक थे, अर्थशास्त्री भी रहे हैं वो, तो उनके टाइम से ही ये
बढ़ोतरी हुई है, चाहे तेल के दाम ले लो, चाहे पेट्रोल के दाम ले लो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम ले लो आप, तो उनके टाइम से, उनके टाइम से जब 29 रुपए पेट्रोल था और आज 150 रुपए तक पहुंच गया था 2014 तक, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो आप जानते हो कि यूक्रेन में जब ये यूक्रेन युद्ध हुआ, ये हुआ, इनसे तेलों के हमारे यहाँ पे थोड़ी बढ़ोतरी हुई, तो ये सब राज्य सरकार कर सकती थी, राज्य सरकार कम कर सकती है, वेट कम करे अपना, हर बार केंद्र की तरफ थोड़ा देखना चाहिए। तेल जो खाद्य तेल है वो तो अब जीएसटी में आने के बाद में तो उसपे कोई राज्य सरकारों का इनका कोई असर नहीं रह सकता, केवल फ्यूल को छोड़ के। नहीं नहीं, राज्य सरकार वेट कम करे किस पे, इन सब चीजों पर, खुद के पास फंड है, उसको काम में ले और वेट कम करे। जी चलिए संगीता जी, आपके पास आऊंगा। महंगाई तो है, बीजेपी का मानना है, लेकिन ये राज्य सरकार ने बना रखी है महंगाई, चाहे तो कम कर सकते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि पहली बार मैं एक ऐसी महिला के साथ बैठी हूँ जो सच में इस बात को स्वीकार कर रही है कि महंगाई बढ़ी है। धन्यवाद अनुराधा जी। लेकिन साथ ही साथ आपने कहा उज्ज्वला योजना, तो बहन मेरी इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि उज्ज्वला योजना, ठीक है, मैं आपको एक बात कहती हूँ, आप प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि उज्ज्वला योजना हर महिला के लिए फ्री कर दे। हर महिला को उज्ज्वला योजना में सिलेंडर फ्री दे देंगे क्या? चलिए पहली बात तो फ्री दे देंगे, तो जिन लोगों को उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर मिले हैं, अगर आप किसी के पास गई हो तो उसके हालात आप जानती हैं क्या है? मैं बताती हूँ उनके हालात क्या है कि एक बार तो उनको उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर मिल गया, लेकिन अब दोबारा भरवा पाने की गुंजाइश उनकी नहीं है। इसलिए उन्होंने, महिलाओं से जब हम गांव में जाकर मिले तो उन्होंने कहा कि बहन मेरी, कि अब ये जो सिलेंडर है ये लोहे के भाव में तोलना पड़ेगा। ये हालात उनके थे। उन्होंने कहा 1000 रुपए का सिलेंडर मैं भरवा पाने में सक्षम नहीं हूं, मुझे पुनः उस चूल्हे और चौके पर ही रोटी पकानी पड़ेगी जो मैं पहले पका रही थी। या मैं धन्यवाद दूंगी कांग्रेस सरकार का, जिस वक्त यूपीए शासन था उस वक्त हमें 400 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, तो हमें ऐसी मोदी सरकार या ऐसी केंद्र में बैठी नाकारा सरकार नहीं चाहिए जिन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन हालात इतने बुरे, बद से बदतर हो गए कि महंगाई 7वें आसमान पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार ये बात बीजेपी की ओर से कही जाती है कि सरकार यहाँ पे वैट कम कर सकती है, पड़ोसी राज्य जो है उन, आप देखिए पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा प्राइस है इसके, फ्यूल प्राइस। देखिए योगेंद्र जी, गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ कम है हमारे से। योगेंद्र जी देखिए, एक तो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के साथ जो सोतेला व्यवहार किया जाता है उसमें केंद्र सरकार बदलाव करे। मोदी जी को ये मानना चाहिए कि केंद्र सरकार, केंद्र क्या है, शीर्ष है, और उसके बाद जो शाखाएं हैं वो राज्य हैं। अब उन राज्यों में एक के साथ आप सुतेला व्यवहार करोगे और जहां भाजपा का शासन है उनको आप सारी सुविधाएं दोगे या उनको जो बजट आवंटित होता है वो भी आप दोगे, तो ये निश्चित रूप से तय मानिए कि दो राज्य सरकारों के बीच में इस तरह की व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मैं राज्य सरकार की बात करूं तो यहां पर वेट कम भी किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे, आप ये, आपको मैं बता दूं कि जब 33% वेट था उसको 300%, जो 33% एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी पेट्रोल डीजल पर, उसको 300% एक्साइज ड्यूटी किसने करी? केंद्र सरकार। आप ये मानिए कि एक 33% और एक 300%, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एक्साइज ड्यूटी, कितनी परसेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, और ये क्यों बढ़ाई जा रही है? आप ये मानिए कि केंद्र के सरकार के द्वारा जनता की जेब पर डाका डालकर सिर्फ और सिर्फ अपने खजाने भरे गए। वापस आ रहा हूँ मैं चंद्रमुखी जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। चंद्रमुखी जी, हम सिर्फ एक बात को लेकर के महंगाई का मतलब सिर्फ ये सोच के चल रहे हैं फ्यूल प्राइस बढ़ गया तो महंगाई हो गई, केवल ये बात नहीं है। फ्यूल प्राइस से हाँ असर होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो असर आता है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हर चीज की महंगाई की, तो हम थोड़े से डाइवर्ट हो रहे हैं, हम केवल सिलेंडर और फ्यूल पे ही अटके हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो ऐसा एहसास होता है कि महंगाई है। योगेंद्र जी, आज का अपना जो मुद्दा है नारी में, हम महंगाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं जी। तो एक नारी जिस तरह से महंगाई को लेके त्रस्त है वो हम नारियां बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल। जो लोग एसी होल्स में बैठ के अपनी योजनाएं बनाते हैं, बजट बनाते हैं, उनको ये चीज हकीकत में वो मतलब समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज का कभी सामना ही नहीं किया। इस चीज को आपको यदि कम करना है, इस दर्द को समझना है, तो आपको एक मिडिल क्लास महिला या लोअर मिडिल क्लास महिला,
उसके बारे में आप जानेंगे कि महंगाई का असर किस तरह से उस पर हो रहा है, वो किस हालात में अपना घर चलाती है। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में मुश्किल से एक जना नौकरी करने वाला होता है और उसकी भी तनख्वाह होती है 15-20-25 हज़ार के आसपास होती है। उसमें उनका घर का लोन चलता है, लोन में भी इतनी सारी दिक्कत होती है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई होती है, सब्जी का होता है। मोस्टली अपने टेंडेंसी क्या होती है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में सैलरी आती है, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है हर महिला को 6,000, 8,000, 10,000 कि आपको इसमें करके अपना घर चलाना है, जिसे भी आपको मैनेज करना है। तो उसका सीधा सा इफेक्ट हर चीज में आता है, पूरे परिवार के स्वास्थ्य पे आता है, बच्चों के खान पान पे आता है, बच्चों की शिक्षा पे आता है, एनी अदर डेवलपमेंट्स है, आपके एंटरटेन जैसी चीजें, तो जैसे उनकी लाइफ में कभी वो लोग सोच भी नहीं सकते इस तरह से, मतलब उनकी लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने में निकल जा रही है। अब जैसे हमारी सरकार की यदि नीयत अच्छी हो, दोनों सरकारों ने है कि पता है एक बार कांग्रेस का होना है, एक बार बीजेपी का आना है, त्रस्त होंगे लोग अभी बीजेपी को दे देंगे, बीजेपी से त्रस्त होंगे कांग्रेस को दे देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, यदि हमारी सरकारों की नीयत अच्छी हो तो जो हमने अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया है और पंजाब में अभी हमने किया है, हमारे अभी पिछले 137 दिन से जब चुनाव टाइम था ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ना सिलेंडर के दाम बढ़े, लेकिन अब पिछले दिनों में लगातार 5 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल का दाम का जो है इंक्रीज होना हर चीज पे प्रभाव डालेगा, आपका सब्जी दाल हर चीज से, इवन मतलब आप मार्केट से कुछ भी खरीदने जाएंगे हर जगह भैया थोड़ा महंगा हो गया, तो दुकानदार हमेशा यही बोलेगा मैडम क्या करें अभी पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया। तो हर पॉइंट पे वो महिला को ही सोचना होता है ये करना है कि नहीं करना। आपके जो फिक्स खर्चे हैं वो घर के फिक्स हैं, वो आपको करने ही करने होते हैं, लेकिन दिन रात 2400 घंटे किस मानसिक हालत में वो महिला रहती है, महीने का 20-25 दिन निकालने के बाद आखिरी 10 दिन में उस महिला की क्या हालत होती है, बच्चे ने यदि अपनी इच्छा का थोड़ा सा भी कुछ मांग लिया, माँ रात भर सो नहीं पाती है। इस दर्द को समझने के लिए हमारी सरकार में बड़ी मतलब हमें दुख होता है कि हमारी वित्त मंत्री है निर्मला जी एक महिला होती है और वो फिर भी महिलाओं की हालत को नहीं समझती है कि इस जो आप बार बार जो महंगाई बढ़ा रहे हैं उसमें एक आम महिला या एक आम परिवार की जीवनचर्या पे किस तरह से बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपका डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रखा है आज के दिन। मैं चलिए आपके पास में आना चाहूंगा अनुराधा जी एक बार। महंगाई देखिए एक ऐसा मुद्दा है कि इससे आपको लगता है कि इस पे राजनीति ना हो या राजनीति से ज्यादा जरूरी है जनता को राहत देने की, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं या फिर हम स्टूडियो के बाहर की भी बात करें, पार्लियामेंट में हो चाहे असेंबली में हो, कोई अपनी पाले में नहीं लेना चाहता है कि महंगाई हाँ है और महंगाई का कारण क्या हो सकता है, एक दूसरे पर बोल डालते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे चर्चाएं तो हो सकती हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो लगता है कि वास्तव में देखिए मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि कोविड के से हम बाहर निकल रहे हैं, थोड़े लोगों का जीवन पटरी पे आ रहा है, हम लोग थोड़ा सा विकास की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, वापस से हम सहजता की ओर लौट रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत ही विषम परिस्थितियों से निकले हैं, वो उनकी बड़ी तकलीफें हैं। महंगाई अगर उन पे मार जब पड़ती है तो ये कहा जाता है कि कोड में खाज का काम करती है वो। तो लगता है कि ये पॉलिटिकल मुद्दे से ज्यादा मुझे लगता है कि हम राहत कैसे दे सकते हैं, चर्चा उस पर करनी चाहिए। देखो ये 2004 से 2014 तक जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और तब से ही ये महंगाई बढ़ना शुरू हुई है, तो थमने का नाम नहीं लिया। तो आप लोग तो रोकते 8 साल आगे, लेकिन भी आप मनमोहन जी रोकी ना, मोदी जी हमारे एक मोदी सरकार प्राकृतिक गैस के संसाधन ला रही है, भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक 15% से ज्यादा प्राकृतिक गैस हो जाए, 70% भारतीय जनता को 400 प्यास लगे, वो प्यासा जो है उसका क्या, उसके बाद में हम कुआं खोदेंगे। नहीं नहीं ये मैंने आपको पहले भी बताया कि राज्य सरकार टैक्स कम करे, यहाँ तक कि उन्होंने तो पिक्चर दिखाई, फिल्म भी उन्होंने हिंदुवाद कर दी, उसपे भी टैक्स कम नहीं करा। तो राज्य सरकार तो हर हालत में खाली केंद्र सरकार का मुंह देखती है, राज्य सरकार के हाथ में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो खुद महंगाई कम कर सकती है। तो चलिए आपको लगता है कि महंगाई चाहे रहे नहीं रहे लेकिन टैक्स फ्री पिक्चर ज्यादा जरूरी है हमारी। नहीं 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 एक उदाहरण दे रही हूँ मैं कि एक छोटे से गरीब तबके के आदमी ने भी ये पिक्चर देखनी चाहिए, सारे राज्यों में टैक्स फ्री हुई लेकिन जब
देखते तो महंगाई का रोटी को अशोक जी गहलोत महंगाई का देखते ही अगर उनको रोटी की जरूरत है उनको गैस की अशोक जी गहलोत करे ना इस चीज को एक बात सुनिए आप ये कह रही हैं अनुराधा जी कि यह सारा मुद्दा राज्य सरकार का है कि महंगाई चाहे तो राज्य सरकार कम कर कम कर सकती है क्योंकि केंद्र सरकार तो उनको बहुत बजट दे चुकी है लेकिन वो बिल्कुल भी उस बजट को यूज में नहीं दबा के बैठे हैं वो बजट मुझे लगता है कि यूज नहीं है ये बताइए कि आप लोगों ने एक स्लोगन दिया था कि बहुत सही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार तो उस वक्त तो केंद्र को कोट किया था आप लोगों ने राज्य पे नहीं डाला था तब नहीं बिल्कुल केंद्र पे कोट नहीं किया था हमने राज्यों को किया था चुनाव तो पार्लियामेंट का लड़ रहे थे मोदी जी तब नहीं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे तो तब मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने पूरी मेहनत पढ़ाई है टाइम तो आप लोगों ने महंगाई को नहीं नहीं आज को विकास को आज उसी महंगाई को आप विकास बोलने लग गए हैं तो आप विकास बहुत हुए आप एक ही चीज देखते हो विकास बहुत हुए बताइए ना विकास तो बहुत हुए मोदी जी ने 370 हटा दी मोदी जी ने महंगाई से कहा खुश है जनता बहुत खुश है और इसके लिए भी हम राजस्थान से ज्यादा कदम उठाएंगे मोदी जी बहुत सोचते हैं मोदी जी बहुत सोचते हैं वो सख्त से सख्त कदम उठाएंगे अगर ये महंगाई हुई है तो गहलोत सरकार जी मोदी जी से बात करें और ऐसा नहीं है उनको हमेशा फंड मिलता है और वो हमेशा मुंह उठा के महंगाई खत्म करने का कौन सा फंड मिलता है राधा जी ये महंगाई वेट कम करे और वो जो सारी चीजों पे वेट लगा हुआ है पेट्रोल डीजल है पूरे देश में बढ़ रहा है सिलेंडर के लेकिन राज्य सरकार में सबसे पहले हमारी राज्य सरकार बराबर की जिम्मेदार है आप हमारे राजस्थान में बिजली उत्पादन होती है लेकिन राजस्थान में ऐसा हाल है आज के दिन राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है क्योंकि हमारे सरकार की नियत सिर्फ नहीं राजस्थान में सबसे महंगी बिजली अशोक गहलोत जी की वजह से अब अरविंद केजरीवाल की वजह से फ्री तो नहीं कर सकते ना जनता को लालच यहाँ की जनता को अनाज फ्री अनाज मिल रहा है मिल रहा है अरविंद जी केजरीवाल तो फ्री देके आदमी को हर महिला को 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को 1000 रुपया मंथली तो वो कहाँ केजरीवाल के खुद के पास से ला रहे केजरीवाल जी वो भी तो भारत सरकार से मिल रहा है भारत सरकार से जब बजट मिलता है अगर उसको यूज कर रहा है तो किसी चीज को अगर कहीं व्यवस्था हो रही है तो आप कह रही हैं कि केंद्र जो दे रहा है उसकी वजह से व्यवस्था हो रही है अगर बिगड़ रही है तो आप कह रही हैं कि राज्यों ने बिगाड़ दी राज्यों ने नहीं बिगाड़ राजस्थान सरकार में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान सरकार में जो हो रहा है गहलोत जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे वो चाहे तो इसको कम कर सकते हैं बात कहना चाहूंगी मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के आप मुद्दे राजस्थान सरकार के कह रहे हो कि गैस सिलेंडर ये सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं यहाँ पे आज यूपी में महंगाई महंगाई पे फोकस रखिए आप दाएं बाएं मत जाइए महंगाई पे फोकस रखिए बोलना चाहती हूँ अनुराधा जी को अनुराधा जी मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपको सुन रहे होंगे मुझे लगता है कि जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपको भयंकर डांट भी पड़नी नहीं नहीं मुझे कोई डांट पड़ने वाली नहीं है मोदी सरकार मोदी सरकार बिल्कुल नहीं कर रहे नहीं मोदी सरकार हमेशा बजट पास करती है और गहलोत जी को बजट मिलता है लेकिन वो हमेशा जब भी बैठ लगता है जब भी कोई चीज बढ़ोतरी तो केंद्र सरकार हमें बजट नहीं देती है हमेशा यही बात कहते हैं गहलोत जी कि केंद्र सरकार हमें बजट नहीं देती हर बार ये नहीं होता है वो चाहे तो वेट कम करके पेट्रोल कम कर सकते हैं अकेले बोलेंगी कि दूसरा भी कोई बोलेगा देखिए योगेंद्र जी मैं कहना चाह रही थी कि महिलाओं को अन्नपूर्णा कहा जाता है और यहाँ बैठे हुए हम तीन लोग जो महिलाएं हैं और ये भी मुझे लगता है इनके घर में भी महिलाओं को गहलोत जी को चाहिए आपको लेकिन निर्मला सीतारमण जी मुख्यमंत्री हैं शायद निर्मला सीतारमण जी जो शायद कभी रसोई में गई नहीं है इसलिए उनको अन्नपूर्णा का भान नहीं है नहीं नहीं मैं रसोई में बिल्कुल रहती हूँ बहुत भान आपको नहीं कह रही हूँ अरे भाई सुनो तो सही मैं आपको नहीं कह रही हूँ मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कह रही हूँ कि शायद उनको ये भान नहीं कि महिलाओं को अन्नपूर्णा कहा जाता है और क्यों कहा जाता है इसका भी उनको शायद मुझे लगता है वो इस चीज को जानना नहीं चाहती अगर जान लेती तो मुझे लगता है इस कदर महंगाई ना बढ़ती पहली बात और महंगाई का असर जो है सिर्फ हमारी दैनिक दिनचर्या की चीजों पर ही नहीं तमाम जिसको कहते हैं हम सुबह उठते हैं तब से लेकर और रात तक सोते तब तक जरूरतमंद की हर चीज पर महंगाई का असर है आज मैं बात करूं कि हम बच्चों को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं तो ये शोचनीय विषय हो गया कि जैसे कि कोई व्यक्ति या किसी परिवार का बजट ही 25,000 है तो उस चीज को कटौती करनी पड़ी उसकी बच्चों की पौष्टिकता में कटौती करनी पड़ी कि मैं मेरे बच्चों को ठीक है साहब पहले आधा किलो दूध पिलाती थी अब मुझे
कुछ कम करना पड़ेगा, या मैं बच्चों को पहले कुछ पौष्टिक चीजें खिलाती थी, अब उसमें कटौती करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें। लेकिन अनुराधा जी मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, कांग्रेस सरकार हमेशा हंसी उड़ाती है, उनको कोई मतलब नहीं है जनता से, आपने बजट नहीं पढ़ा, बिजली फ्री देने की बात कही गई है। संगीता जी, संगीता जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि देखिए ये चले एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया, लेकिन एक जनता से जुड़ा मुद्दा है, ये लोग फिल्म टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं, फिल्म टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हो, नहीं कोई शांति आना चाहिए की आप बात कर, नहीं नहीं मद्रासों को जाकर के गहलोत सरकार से पेट्रोल के दाम में ज्यादा सिलेंडर पेट्रोल के दाम पे तो आप बात कर रहे हैं, और मद्रासों में जाके आप मद्रासों में जाके और उन पे डेवलपमेंट करते हो, स्कूलों के हालात से देखते हो, मद्रासों में डेवलपमेंट वो पैसा कहाँ से आता है, आप बात करें गहलोत सरकार जाके मद्रासों में जाके पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे टैक्स कम नहीं कर रही है, बातें करेंगे चलिए हम महंगाई पर रखें प्लीज, यूट्यूब पे डाल दीजिए ना टैक्स फ्री हो जाएगी, आपको फिल्म दिखानी है, लेकिन उसकी सच्चाई जो आप जनता को दिखाना चाहती थी वो भी आज आपके गले में उल्टी पड़ी हुई है। बिल्कुल महंगा प्लीज, लोग देख रहे हैं तो आप तीन महिलाएं जुड़ी हुई हैं, शायद हमारे दर्शक जो महिलाएं होंगी वो देख रहे होंगे, मैं उल्टा नहीं बोल रही हूँ, मेरी बहन अगर रास्ते गलत जाएंगी, गलत गलियों में, कांग्रेस सरकार बिल्कुल सरासर गलत है, महंगाई कांग्रेस के राज में बढ़ना शुरू हुई थी। चलिए चलिए एक बार मैं, केंद्र सरकार बजट दे तो केंद्र सरकार दे रही है, और अगर राज्य सरकार दे रही है तो बोले सब केंद्र सरकार दे रही है, बड़ी मुझे बड़ी हास्यास्पद बात है। अरे जब भी गहलोत जी को, जब भी महंगाई बढ़ती है गहलोत जी दिल्ली की तरफ मुंह उठाकर देखते हैं, केंद्र, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी मोदी जी की तरफ देखते हैं तो पहले वेट तो कम करे, वो पहले कदम तो उठाए, बजट तो वैसे भी खूब मिलता है उनको, मोदी जी को ऐसे कही 300% जो एक्सरसाइज ड्यूटी आपने लगाई है ना उसको कम करिए, आपका ये आप उनको पहले आप अशोक गहलोत जी से कहिए, यहाँ पर जब करिए तो वहाँ से अपने आप कम होगा, आपको यहाँ पे 2% कम किया गया है अनुराधा जी, अजी ये तो एक तड़का है, तेल में तड़के के हिसाब से तो आपको बोला तड़का ही लगा दे, आपको तो बोला तड़का ही लगा दो, आपने तो 300% ड्यूटी बढ़ाई है। चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा, चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जिस बहस को जिस मुद्दे को लेकर के कर रहे थे, शायद हो सकता है कि लोग देख रहे होंगे कि हाँ कोई गली निकल सकती है, इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नहीं निकल सकती, कारण है कि हम कोई ऐसे वो नहीं है कि हाँ बिल्कुल आज कोई मोहर लगवा दिया नेताओं से कहते, लेकिन एक चर्चा होती है तो लोगों को लगता है कि हाँ एक बहुत सार्थक चर्चा, हम डाइवर्ट हो रहे हैं, कई मुद्दों से भटक रहे हैं, यहाँ एजेंडा सिर्फ हमारा रसोई है आपकी, कि रसोई का वास्तव में जो महिलाएं देख रही होंगी उन्हें भी एहसास हो रहा होगा कि माशाल्लाह है सब, इनको एहसास ही नहीं है कि वास्तव में कहां कितना असर पड़ रहा है, तो चंद्रमुखी जी मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूं, हम केवल फोकस नारी में, नारी की तकलीफ को लेकर के करना चाहते हैं जी। योगेंद्र चंद्रमुखी जी तो आप क्या जानना चाहेंगे? हम जानना चाहेंगे वास्तव में महंगाई जो है किस पार्ट में महंगाई है और कैसे उन्हें राहत दी जा सकती है या क्या अपेक्षा है लोगों की? देखिए किस पार्ट पे है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सुबह की शुरुआत जब गैस के साथ चाय बना के या गर्म पानी से होती है, वहां से लेके रात को सोने तक जो लास्ट दूध का गिलास गर्म होता है वो भी दूध पे गैस पे ही करके, तो मतलब दिन भर की जो भी चीजें हम काम में लेते हैं, रसोई में है, बाहर है, मार्केट में है, कपड़ों में है, दिनचर्या में जो भी चीजें, बाहर कहीं जाना है, आपका किराया भाड़ा है, हर चीज में, घर की बिजली है, सब चीज पे महंगाई का फर्क पड़ता है। अब रही बात हमारे प्रवक्ता, चाहे आप कोई भी पार्टी के हो, आपको ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पे साबित करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें हमारी सरकार का पक्ष रखना होता है, लेकिन हकीकत यह है कि यदि हमारी सरकार की नीयत साफ और ईमानदार हो तो इस महंगाई को बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करके और जनता को राहत दी जा सकती है, और ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कर दिखाया है। इसको यदि बिजली है, बिजली अपने घर में 24 आवर काम आती है, किचन में भी काम आती है, ऑफिस में भी काम आती है, रूम में दिन भर अपना दिनचर्या, लाइट है, पंखा है, हर चीज वहाँ 200 यूनिट बिजली हर घर को फ्री दी जाती है, बाकी भी काफी रियायती दरों पे दी जा रही है, क्या हमारी सरकार ये नहीं कर सकती है? अरविंद मैं मेरी अपनी बात, दिल्ली की केजरीवाल सरकार है वो बाहर से बिजली खरीद के और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है या कुछ बहुत ही नॉमिनल चार्जेज पे दे रही है, ये सारी अपनी सरकारें दूसरी सरकारें भी यदि चाहें तो खुद के दिमाग में नहीं आया तो वो अभी देख के सीख के कर सकती हैं। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में देखा कि गहलोत जी ने थोड़ा थोड़ा कॉपी करना शुरू किया है, लेकिन अभी उनके बजट में प्रावधान अभी उनकी नीयत नहीं बनी, अभी उन्होंने 50 यूनिट तक फ्री, अभी उन्होंने सिर्फ कॉपी करना शुरू किया है। दिल्ली में है आपको स्वास्थ्य सेवाएं हैं बहुत ही अच्छी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसको देखते हुए राजस्थान में 135 मोहल्ला क्लिनिक का भी अभी आह्वान किया गया है, लेकिन ये सारी चीजें धरातल में कब आएंगी नहीं पता, इन चीजों का अभी घोषणाएं हो रही है। हमारा था जो अरविंद केजरीवाल जी ने आपको
महिलाओं को बस में पूरा फ्री किराया आपका, कहीं भी जाते हैं सुबह से शाम तक आप ऑफिस जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, या दिन भर आप घर में परेशान हो गए तो उस चीज से आप छुटकारा पाने के लिए कहीं भी घूमने भी निकलते हैं, तो महिलाओं को एक इसमें बहुत बड़ी राहत दी गई है। हमारी सरकार ने यहाँ पे किया था रक्षाबंधन के दिन या महिला दिवस के दिन एक दिन बस में महिलाओं को किराया फ्री किया जाता है। तो ये सारी चीजें कि दिखाने के लिए कि हमारे मन में आपके लिए सहानुभूति है, ये सिर्फ दिखावा है, दिखावा नहीं है। वसुंधरा जी के टाइम महिला दिवस पे महिलाओं की महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये दिखावा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे गलत ठहराऊंगी, वसुंधरा जी महिलाओं का सम्मान है महिला दिवस पे एक दिन जो फ्री किया जाता है। देखो मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मैं अपनी बात पूरी करूंगी, आप जब बारी आएगी आप बोलिएगा। तो गहलोत साहब का 2008 ये सारी चीजें ये सिर्फ महिलाओं को आज के दिन नहीं, आज की बात नहीं है, थ्री टर्म हो गए। संगीता जी, महिलाओं को सहानुभूति या सम्मान की जरूरत नहीं है, महिलाओं को जो जरूरत है वो जरूरत पूरी करें। अभी जैसे पंजाब में किया 1000 रुपए का आपका, उसमें महिला को मन है आपका घर का खर्चा कैसे भी चल रहा है। एक कॉलेज पढ़ने वाली बच्ची है, आज उसका मन हो गया फ्रेंड्स के साथ कहीं कुछ भी, चलो आइसक्रीम के लिए चले गए, या कोई बुक्स ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें, वो बाहर का कुछ फॉर्म फिल करना चाहती हैं। गरीब तबके की जो बालिकाएं हैं वो ये सब नहीं कर पाती। लेकिन तो मैं, इस तरह से आप करना चाहो लेकिन हमारा नियत साफ है, ईमानदार होनी चाहिए। आप भी मानते हो कि अशोक गहलोत सरकार भी रेट कम कर सकती है, अशोक गहलोत सरकार के राज में महिलाओं का बजट बिगड़ गया है, रसोई का बजट बिगड़ गया है, और ये राज्य सरकार चाहे तो वेट कम करके कर सकती है। चंद्रमुखी जी आपको बता रही थी कि आप कहती महिलाओं के लिए क्या किया, भाई महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने सिटी में किया है जो फ्री किया है, लेकिन अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 30% रोडवेज में छूट, यानी कि आप राजस्थान में या राजस्थान से बाहर जाएंगे। कांग्रेस सरकार है, राजस्थान की सरकार है, ये पन्नों में क्या पास करते हैं उसके बाद अब ये सबके सामने आएगा, ये कोई भरोसा नहीं। छोड़ते हैं आने वाले ये लोग घोषणा करते हैं और उस पे नहीं चलते। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो चले हमारा एजेंडा तो कायदे से रसोई पे चर्चा की था, यानी कि महिलाओं का बजट कितना प्रभावित हुआ है। महिलाएं एक अपना कोऑपरेटिव भी रखती हैं कि पैसे बचा करके उस पे कितना असर पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं हम जानना चाह रहे थे। लेकिन चले ये सारा मुद्दा एक राजनीतिक छिन्न भिन्नता में आकर के अटक गया और हम उसी में फंस करके रह गए। खैर होना भी था, जब राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे तो यही सब कुछ होना है। लेकिन महंगाई है और उसे कैसे कम किया जा सकता है या उसे कैसे राहत मिल सकती है, इसकी उम्मीद जरूर लोगों को है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, दर्शकों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।